जब लॉकडाउन का बहाना कर घर पर बैठे थे सभी, तब कोयलांचल के लिए मसीहा बनी थी ये नेत्री। अब मेयर पद के लिए प्रबल दावेदार उभर कर आई है आप सबों के पास। अभी तक आपने बहुत से नेता देखे होंगे जो केवल राजनीति के लिए नेता बनते हैं, जिनको शायद ही राजनीति आती हो, किसी के सुख दुख से मतलब रहता हो। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नेता नहीं बल्कि नेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो लॉकडाउन का बहाना कर सभी घर पर बैठे थे, तब ये कोयलांचल के लिए मसीहा बनी थी ये नेत्री। मेयर पद के प्रबल दावेदारों में से एक वो नेत्री जहां गरीबों और जरूरतमंद के लिए तो मसीहा है। पूरे कोयलांचल के एकमात्र महिला सावित्री देवी ने वैश्विक महामारी के दौरान भूखे लोगों तक भोजन के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर व राशन सामग्री घर तक पहुंचाने का काम किया, जिससे पूरे कोयलांचल के लोग उनकी सराहना करते थकते नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की धर्मपत्नी सब भाजपा नेत्री सावित्री देवी की, जिनका शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जहाँ वह गरीबों और बेसहारों के लिए कुछ ना करती हो। कभी किसी के बीमारी के लिए मदद करना, तो कभी किसी के पढ़ाई के लिए, या किसी के अंतिम संस्कार के लिए, या फिर किसी के सुख दुख के लिए उनके साथ खड़ा रहने का। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ऐसा काम किया कि जो लोगों की जुबान पर मिसाल बनता नजर आ रहा है। उनका यही कार्यशैली के कारण आज आगामी नगर निगम चुनाव में धनबाद के लिए मेयर पद के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, या फिर देखा जा रहा है। इसकी चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। लगभग 12 वर्षों से एकमात्र महिला नेत्री सावित्री देवी ने, जिन्होंने माताओं, बहनों, गरीब मजदूर, शोषित पीड़ित हर जरूरतमंदों को मदद करने के अलावा उनके साथ भी खड़े रहने का काम की है। चाहे ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंद तक चादर पहुंचाने की बात हो, या विवाह, श्राद्ध आदि कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग करने की बात हो, उसमें भी हमेशा आगे रहने वाली पूरे कोयलांचल में एकमात्र महिला सावित्री देवी है। इनके कार्य की सराहना चारों तरफ हो रही है और आने वाले चुनाव में लोग दबी जुबान से इनकी जीत पक्की होने की बात कर रहे हैं।